सा न्यू टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा क्या है क्या नहीं है, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। फर्स्ट में तो हम लोग पढ़ते भी होता है वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंट, ओमेगा होता है, सब चीज देखे, लेकिन यहाँ थोड़ा और कॉम्प्लिकेट होते जा रहा है। जितना दिन आगे बढ़िएगा उतना थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाइएगा। क्लास 9-10 का सिलेबस था, अब थोड़ा आगे जाके सिलेबस को और भी थोड़ा बड़ा करते जा रहा है। यूनिट 4 है, रोटेशनल मोशन आपका नाम है टॉपिक का। ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन ये आपका टॉपिक है, विथ एग्जाम्पल के साथ। सिलेबस सबके पास है? नहीं तो वो भी हम दे देंगे, बोलिए हाँ सर, है ना। यस सर। वेरी गुड। देखिए, ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन में हम लोग हमेशा रिजिड बॉडी का ही यूज करेंगे। अब रिजिड बॉडी आप लोग पूछिएगा क्या है, रिजिड बॉडी अदरवाइज इस ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन में कुछ भी संभव नहीं है। इसमें हर समय आपका रिजिड बॉडी ही रहेगा, यानी वह बॉडी जो एकदम ठोस कठोर, वैसा बॉडी को ही हम यूज करते हैं, उसी को कहते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, इस चैप्टर में जितना सारा चीज करेंगे सब आपके रिजिड बॉडीज पर ही यूज होगा। इसीलिए पहले हम जानेंगे रिजिड बॉडी क्या है। आवाज जा रहा है ना, देखिएगा बोलिएगा। ठीक है, रिजिड बॉडी हम इस चैप्टर में पूरा जितना सारा पढ़ेंगे वह सिर्फ रिजिड बॉडी पर ही पढ़ेंगे। हम जितना सारा इस चैप्टर पर आगे बढ़ेंगे सब आपको माइंड में रखना है वो रिजिड बॉडी। अगर कहीं लिखा भी नहीं होगा तो पर भी रिजिड बॉडी होगा, और रिजिड बॉडी इसीलिए होगा क्योंकि वो क्या है, ऑलवेज ठोस है। तो इसका डेफिनेशन मान लीजिए, एक हम ऑब्जेक्ट लिए हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, हाँ या ना बताइए, ऑब्जेक्ट है ना, बोलिए हाँ या ना। इसके अंदर टू पॉइंट हम लिए, एक पॉइंट क्या है, टू पार्टिकल्स, ए वन ए पार्टिकल एक गो है और एक गो है क्या, ये बॉडी कहीं भी जाए, हवा में जाए, पानी में जाए, कहीं भी जाए, यहां से यहां का जो डिस्टेंस है कहीं भी जाए, ये हवा में भी क्यों ना उछाले, पानी में क्यों ना तैरे, कहीं भी जाए, इसका जो यहाँ आके, यह मान लीजिए हवा में आकर यहाँ आ गया, ये ऑलरेडी यहाँ स्टेबल ये हो गया है, उड़ के आया है, लेकिन यहाँ इसका ए और बी का जो डिस्टेंस होगा वो अलग क्या होगा, यानी बॉडी को हम अगर किसी तरह घुमा भी दिए, हवा में उलट फलट भी कर दिए, लेकिन उसका जो अंदर का पार्टिकल्स का जो अंदर का पार्टिकल्स का जो लेंथ होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। यहां तक समझ में आया? कुछ भी बॉडी आप लीजिए, इमेजिन कीजिए, उसको हवा में उलट फेर दीजिए, लेकिन उस बॉडी का जो अंदर का पोर्शन है और अंदर में जो दो पार्टिकल्स जो हम ले रहे हैं वो कभी चेंज नहीं होगा, इसी को कहते हैं रिजिड बॉडी। वो हवा में क्यों ना आगे पीछे हो जाए, पानी में क्यों ना ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन वह अपना शेप पर ही बना रहेगा, इसीलिए उसको क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी। हाँ या ना बोलिए। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरनल पॉइंट, देखिए टू इंटरनल पॉइंट डज नॉट चेंज, कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, ये अंदर का जो इंटरनल जो पॉइंट है ये कभी चेंज नहीं होगा, इस कॉल्ड रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी याद है आपको, आ भी सकता है रिजिड बॉडी पेपर में, बोलिए हाँ या ना, बोलिए कुछ तो बोलिए। रिजिड बॉडी समझने में कुछ दिक्कत हुआ? नो सर, और उसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ये हो गया रॉड हो गया, ये सबसे मतलब मजबूत होता है, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, कुछ डिश हो गया, ये सब उसका एग्जाम्पल है। ये रॉड जो है इसको आप अगर मान लीजिए उसको उल्टा कर देते हैं तो पर भी उसका जो अंदर का जो पार्टिकल्स है, इंटरनल जो पॉइंट है वो चेंज होगा? नो सर, नहीं होगा। सिलेंडर की भी वही केस, सेम केस है,
उसको भी अंदर का जो उसका लेंथ है, उसका जो इंटरनल जो 2 पॉइंट हम लिए हैं वो भी चेंज नहीं होगा। और उसको अगर हम डैम के पानी में भी जो ऊपर नीचे होता है ना, कभी देखा है जब उसको पानी मोशन लग जाता है तो ऊपर नीचे होते जाता है पानी में, उसमें भी अगर उसको हम छोड़ दे वो भी ऊपर नीचे होगा, बट ऊपर नीचे होने का कोई दिक्कत नहीं है, वो कर्व बना रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट बशर्ते वो कि वो उसका जो अंदर का जो इंटरनल जो पॉइंट है वो कभी चेंज नहीं होगा। फिर उसको आगे हम बता रहे हैं कैसे वो कभी भी चेंज नहीं होगा, इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। उसका जो डिस्टेंस होगा वो डजेंट चेंज, इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। ओके, यहां तक किसी का समस्या? सबका एग्जाम्पल लेके चलेंगे, इसका एग्जाम्पल हम देख लिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में ही हम बनाए हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट सब्जेक्ट है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो ये कभी आपको परेशानी नहीं करेगा, ये सबको परेशानी करता है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, अब देखिए ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है। ये मान लीजिए ये भी एक रिजिड बॉडी है, इसको आप फिगर बनाए हैं हम इसी तरह, इसका 2 पॉइंट लिए हैं, पॉइंट नंबर 1 ए, पॉइंट नंबर बी। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ट्रांसलेशन मोशन, लिनियर मोशन इसको भी कहते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, जब तक यहाँ इसको ले आए इसका भी शेप वही रहा और पॉइंट ए टू पॉइंट बी का वो भी क्या होगा, सेम होगा, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये भी किसी भी तूफान क्यों ना आ जाए ये दोनों क्या रहेगा, ऑलवेज पैरेलल रहेगा, कितनों भी तूफान आ जाए। यहां पर भी हम मान लीजिए इसको बैठाते हैं, यहां पर भी इसको हम बैठाते हैं तो यहाँ ए यहाँ बी, ये जो दूरी है ये भी इसके पैरेलल होगा, ये भी इसके पैरेलल होगा, कहीं भी आप ले जाए इसको यहाँ पैरेलल हो, ये जितना दूर तय करेगा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो अपने पैरेलल पर ही ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यहाँ से यहाँ दूरी देखिए ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, कभी भी यहाँ भी ले जाए वो भी पैरेलल ही होगा, इसका जो पथ होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा, और ये इसका जो स्ट्रेट लाइन मोशन मोशन जो होगा इसका जो मोशन होगा वो भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पर होगा। देखिए इसका मोशन कभी भी चेंज नहीं होगा, इसका मोशन ऑलवेज क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पर होगा, और इसका जो अंदर का जो रिजिड बॉडी का जो अंदर का दो पार्टिकल है वो ऑलवेज क्या होगा, पैरेलल होगा। यहां तक किसी का समस्या है? नो सर। और इसी को हम तब क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन मोशन का और एक ना मतलब दो टाइप का होता है, तब इसी को हम रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं, जब पूरा पूरी पैरेलल में आ जाएगा तो हम इसको क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर, क्योंकि ये ऑलवेज रेक्ट मतलब लीनियर पर जा रहे हैं, ये सब क्या है एक ही वेलोसिटी पर आगे बढ़ रहे हैं। अंदर का जो दो पार्टिकल है ए और बी ये कभी भी अलग नहीं होगा। इसको और भी उदाहरण से भी ले सकते हैं, और भी हम इसको समझने के लिए देखिए, जब भी एक 90 डिग्री एंगल पर है, इंक्लाइन सरफेस पर जब आ रहा है, ये मान लीजिए एक बॉडी है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, ये मान लीजिए पी है, ये मान लीजिए P1 है, और ये हो गया क्या आपका P2 है, ये आपका हो गया P2 है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जितना आगे बढ़ते जाएगा यहां से यहां आगे आ रहा है सेम लाइन लेंथ पर रहेगा, फिर इसको भी यहां से यहां तक आ रहा है वही सेम लाइन लेंथ पर रहेगा, फिर बॉडी यहां आ गया, देखिए ये 13 है, यहाँ पी लिखे हैं और यहाँ लिखे हैं,
जैसे जैसे वो बॉडी आगे आ रहा है ना, उसका शेप लेकिन वैसे ही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, ताकि से जगह किसी तरह क्यों ना हो, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। P1 और P2 जो रहेगा वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसको डेफिनेशन से हम लोग समझते हैं, द लाइन ड्रॉ बिटवीन टू इंटरनल पॉइंट, दो इंटरनल पॉइंट है, ऑलवेज रिमेन पैरेलल टू इटसेल्फ, अपने आप पर हर टाइम वो पैरेलल रहेगा, कभी भी आगे पीछे या तो कम बेसी नहीं होगा, हर टाइम पैरेलल रहेगा। जैसे कि गाड़ी का दो चक्का हर टाइम क्या रहता है, पैरेलल रहता है। आप भी कभी भी देखिएगा चलते वक्त, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब चलिएगा आपका आगे स्टेप पीछे स्टेप, आगे स्टेप पीछे स्टेप, ये जो दूरी तय करता है ना वो लगभग एक समान जाता है। तो इसी को कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, द लाइन ड्रॉ बिटवीन टू इंटरनल पॉइंट ऑलवेज रिमेन टू पैरेलल इटसेल्फ, ये अपने आप पर कभी भी अनपैरेलल नहीं होगा, ये पैरेलल पर ही रहेगा, इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन, ऑलवेज रन इन पैरेलल लाइन। और इसका जो पाथ होगा वो होगा पैरेलल होगा, इसका जो मोशन होगा स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, तब इसको हम रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी का दिक्कत है, आगे बढ़े। यस सर। अब देखिए और एक तरह का मोशन, जैसे कि हम अभी वाटर वाला जो एग्जाम्पल लिए थे ना, मान लीजिए ये एक बॉडी है, इसको कौन सा मोशन कहलाता है, एक बॉडी है, इसका भी अंदर दो पार्टिकल्स है, दो पार्टिकल मान लो, इसका अंदर बहुत सारा पार्टिकल्स है, एक का नाम ए दिए हैं, एक का नाम तो बी दिए हैं, बाकी का नाम अभी नहीं दिए हैं। देखिए जब भी ये मोशन करता है, कर्व तरह का मोशन करता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह का तो मोशन होता है ना, हाँ या ना। यस कितना सर। भी इस तरह का मोशन क्यों ना कर ले, फिर यहां जाके मान लीजिए नीचे आया या फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, यहां पर वही मोशन आ गया, लेकिन इसका भी एक कंडीशन है, ये फिर आ गया नीचे, इसका यहां से यहां जो है, यानी यहां भी ए है और यहां भी ए है, इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इसका जो डिस्टेंस है उसी के डिस्टेंस के बराबर रखेगा, यहां कर भी वही है, यहाँ डिस्टेंस जो है इसी डिस्टेंस के बराबर है, और यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो भी इस डिस्टेंस के बराबर होगा, और वह बशर्ते कार्ब क्यों ना हो, कितना भी कार्ब हो, फिर कार्ब होते होते घूम के फिर यहाँ क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपना साइज और शेप कभी नहीं बदलेगा। यहाँ तक समझ में आया, उसका साइज और शेप कभी नहीं बदलेगा। और इस तरह का जो पाथ है वो तो पैरेलल है ही, इसका भी पाथ क्या है, पैरेलल है, बट इसका जो मोशन है, देखिए ये सब पार्टिकल वही जैसा जैसा पाथ घुमा है वैसा वैसा फिर आगे जाया गया है, फिर वह सेम टू सेम में फिर यहाँ आ गया है, फिर यहाँ पर भी वही, लेकिन यहाँ जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस वो भी सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा उसका भी सेम रहेगा, कभी आगे पीछे नहीं होगा, यहाँ से डिस्टेंस सेम रहेगा, इसका जो यहाँ से का डिस्टेंस होगा वो भी सेम रहेगा, हर डिस्टेंस को अपने आप मतलब राउंड करते जा रहा है, ठीक है। और किसी का डिस्टेंस आगे पीछे नहीं होगा, सबका डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही रहेगा, समझ में आ रहा है ना। ये टू पार्टिकल्स आर सेम डायरेक्शन, ये टू पर सेम डायरेक्शन पर जा रहा है, एंड इट मोशन, मोशन जो हो रहा है ना वो कर्व हो रहा है, देखिए मोशन जो हो रहा है क्या हो रहा है, कर्व हो रहा है, लेकिन उसका जो पार्टिकल का जो
लेंथ है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। देन लाइन ऑलवेज पैरेलल, ये तो लाइन ऑलवेज पैरेलल पर जाएगा क्योंकि वो भी 5 सेंटीमीटर उठा है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा, वो भी 10 उठेगा तो ये भी पीछे वाला 10 उठेगा, लेकिन दोनों ही क्या एकदम पैरेलल पर ही जाएगा। इसी को कहते हैं कर्वलिनियर ट्रांसलेशन मोशन। तो दो तरह का ट्रांसलेशन मोशन आ गया है, एक हो गया लिनियर ट्रांसलेशन मोशन और एक हो गया कर्वलिनियर ट्रांसलेशन मोशन। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे रिजिड बॉडी को ध्यान से, उसके बाद ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ेंगे और उसमें से दो तरह का आएगा, जो सीधा सीधे एकदम जाएगा और एक ही मोशन पर जाएगा, पैरेलल जाएगा, स्ट्रेट लाइन पर जाएगा, वो हो जाएगा आपका लीनियर ट्रांसलेशन मोशन। जो कर्व बना मोशन करते हुए जाएगा ऑब्जेक्ट, जो कर्व करते हुए जाएगा वो उसका जो डिस्टेंस सेम रहेगा, पैरेलल रहेगा, इस कॉल कर्व लीनियर ट्रांसलेशन मोशन। यहां तक किसी का दिक्कत है? अब एग्जाम्पल आपने से भी कुछ तैयार कीजिए, हम आपको भी कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे कि हम पहले बोले थे एग्जाम्पल ये इम्पोर्टेंट है, ए कार मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, जब कार स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है द पाथ ऑफ बुलेट आउट ऑफ द गन, जब बुलेट से गोली निकलता है उस टाइम का जो मोशन होता है वो भी ट्रांसलेशन मोशन होता है। हाँ या ना, बोलिए भाई। यस सर। आर्चरी में जो एरो निकलता है वो भी एक ट्रांसलेशन मोशन है, उसका जो अंदर का जो पोर्शन है कभी हवा में उसको नहीं खा सकता है और उसका जो लेंथ रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन वो एक निर्दिष्ट जगह पर जाके वो भी एक हो गया। और डैम का जो वाटर में जब वो मोशन लगता है तो यूनिफॉर्म जो लाइन बन जाता है, जैसे कि हम यहाँ देखे कर्व, ये वाला कर्वलिनियर मोशन वाला, वो भी एक एग्जाम्पल होगा। और कोई एक एग्जाम्पल बताइए, 5 एग्जाम्पल की जरूरत होता है। चलिए सोचिएगा, सोचने के लिए आपको यहाँ दे दिया गया है क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं रोटेशनल मोशन, ये आपका हो गया रोटेशनल मोशन। अब आइए देखिए, जब ये आप पहले नहीं घुसे हैं इसीलिए बता रहे हैं, इस चैप्टर पर जितना सारा ऑब्जेक्ट लेंगे वो ऑब्जेक्ट होगा रिजिड बॉडी। इस यूनिट पर हम पढ़ेंगे, जितना सारा ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे वो सब ऑब्जेक्ट आपने रखिए रहेगा क्या, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी वो होता है उसका जो अंदर का जो दो पार्टिकल रहता है उसका जो लेंथ होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, वो जितना रहेगा उतना ही होगा, उसको हम किसी तरह चेंज नहीं कर सकते हैं, उलट फिरत के भी, उठा पटक के भी, किसी भी हालत में उसको चेंज नहीं करते हैं, इसीलिए वो हो गया रिजिड बॉडी। यानी रिजिड बॉडी का मतलब है वो अपने आप पर बहुत शक्तिशाली है। अब आते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन देखिए क्या होता है, इन व्हिच रिजिड बॉडी आर द इंटरनल पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर मोशन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। यहां तक समझ में दिक्कत है? वैसा बॉडी, ऐसा रिजिड बॉडी जो इसका इंटरनल पार्टिकल जो होगा वो मूव करेगा, एक सर्कुलर मोशन पर मूव करेगा, एक पॉइंट को प्राइवर्ट करके, यानी एक ही पॉइंट को हम पकड़ेंगे उसको अगर सर्कुलर मोशन को मतलब घुमाएंगे या मूव करेंगे तो हो जाएगा रोटेशनल मोशन। जैसे कि आपने आपने जो भी है कलम अगर लिए हैं उस कलम को हाथ में रखिए और उसका एक पॉइंट को फिक्स कीजिए, एक पॉइंट को फिक्स अगर नहीं हो कीजिएगा तो कलम को रखिए और एक तरफ उसका क्रम जैसे खेलते हैं ना उस तरफ मारिए, देखिए वो अपने आप घूमते रहेगा और घूमते घूमते वह क्या एक सेंटर पकड़ के रखेगा और उसी को कहेगा सेंटर ऑफ मास। उस पेन में जहां पेन घूम घूम रहा है और उस जो सरफेस को पकड़ के रखा है उसी को कहेंगे सेंटर ऑफ मास। इसीलिए हम बोले थे मोशन में बहुत सारा चीज है, आप लोग फिर एक बार रिवीजन कीजिएगा। और ये तो रोटेशनल मोशन में तो हर तरह का मोशन का ही बात आएगा, या तो सर्कुलर मोशन आएगा या तो रोटेंगुलर मोशन आएगा, इसीलिए मोशन को बढ़िया से एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए, कलम को रखिए और एक कोना पर मानिए और देखिएगा वह सेंटर ऑफ मास पकड़ के रखेगा, वही हो गया उस कलम का सेंटर ऑफ मास।
बचपन में हम लोग बहुत बार खेले हैं, लेकिन उस टाइम उतना ध्यान नहीं देते कि ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है और ये क्यों रोटेट कर रहा है, क्योंकि उसमें फोर्स लगा रहे हैं, उतना ध्यान थोड़ी दारे चला, चक्की जैसे घूम रहा है, बहुत अच्छा बात है। कभी कभी हम लोग अपने से ही पंखा बनाए थे, किसी ने बनाया है पंखा तार का पत्ता देकर? बनाया कि नहीं? कोई नहीं बनाया है बाप जी, कोई गांव का है ही नहीं, हम लोग तो गांव से बिलोंग करते हैं, इसीलिए सब बनाए थे, ट्रैक्टर सब बनाया है गेम हम था, लोग, बनाया नहीं बनाया है सर ना, बल्कि, बनाए हाँ सर देखे देखे हैं, देखे। यही सब आपका हो जाएगा रोटेशनल मोशन। लट्टू खेले हैं? ऐसा हाँ सर, ये भी हो जाएगा रोटेशनल मोशन में आ जाएगा। चलिए हम रोटेशनल मोशन को पहले देख लेते हैं, उसके बाद उसका एग्जांपल में आएंगे। अच्छा से जितना भी हो कम लैंग्वेज में बढ़िया से समझने का कोशिश करेंगे। ओके, इन व्हिच रिजिड बॉडी, कोई भी रिजिड बॉडी, आर ऑल इंटरनल पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर मोशन अबाउट ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। याद हो जाएगा, एक रोटेशनल मोशन मतलब है क्या, ये एक पार्टिकल है, ये कौन सा पार्टिकल है? ये एक पार्टिकल जो है, ये कौन सा पार्टिकल है? ये एक रिजिड बॉडी है, ये कौन सा बॉडी है? एक रिजिड बॉडी है, इसके अंदर दो पॉइंट लिए हैं, एक का पॉइंट इन नाम देते हैं ए, ध्यान दीजिएगा, और एक का नाम देते हैं बी, यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस है, ये हो गया एक, और यहां इसको एक हम क्या किए, फिक्स कर दिए, फिक्स कर दिए मतलब इसको खींच के बांध दिए, प्राइवेट कर दिए, प्राइवेट कर दिए, अब इसको फिक्स कर दिए, इसको यहां से हिलने नहीं देंगे। अब इसको अगर घुमाएंगे तो कैसे घुमाएंगे, यह फिक्स्ड हो गया है, मान लीजिए यहां से फोर्स लगाते हैं, घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं ना, तो ये चीज घूमेगा, ये भी घूमते रहेगा, यहाँ आ जाएगा, ये भी घूमते घूमते कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ गया आपका ये ए हो गया, यहाँ जब फोर्स लगाए यहाँ आपका हो गया बी, अब ये जो हो गया ये घूम के हो गया कैसे, इसका जो फिगर आ जाएगा तब ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये ए हो गया ना, तो इसका फिगर तो ऐसे आ जाएगा। इसको डॉट करने से अच्छा समझ में आता, लेकिन ऐसे कर दी, इसको घुमा रहे हैं, फिर जस्ट जाके फिर यहाँ, यहाँ पर भी वैसे होगा, इस तरह तरह का ये क्या करेगा, एक मोशन करेगा, रोटेट करेगा, हर जगह पर इस तरह करके रोटेट करेगा, लेकिन इसमें होता क्या है, जब ये दूरी और ये यहाँ होगा, ये जो ये दूरी था ना, ये इसका कभी भी पैरेलल नहीं होगा, ए एंड बी आर नॉट पैरेलल, कभी भी ये पैरेलल, इसको ध्यान रखिएगा, उस रेक्टिलिनियर में क्या किए थे वो पैरेलल थे, कर्वलिनियर में क्या किए थे वो पैरेलल था, बट रोटेशनल में क्या है, ये कभी पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि ये सर्कुलर पथ पर घूम रहा है। द लाइन ज्वाइन टू इंटरनल पॉइंट डज नॉट रिमेन पैरेलल टू इट सेल्फ, कभी ये अपने आप पर क्या होगा, पैरेलल नहीं होगा। यहां से मान लीजिए ये एक इसको घुमा के यहां कर दिए हैं, फिर ऊपर जाए, यहां से यहां तक जो होगा दूरी, और यहाँ ये दूरी होगा, पैरेलल नहीं होगा, फिर इधर भी होगा वही चीज सेम केस, यहाँ से घुमा दिए हैं, यहाँ कर दिए हैं, ये धीरे 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 पूरा सर्कुलर करते जाएगा, लेकिन ये जो ए और बी जो होगा ये कभी भी पैरेलल नहीं होगा। यहाँ तक किसी का समस्या है? देखिए, रेक्टिलिनियर में पैरेलल होता है, उसका मोशन जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है, कार्बिलिनियर में पैरेलल होता है लेकिन मोशन कर्व होता है, रोटेशनल मोशन में पैरेलल नहीं होता है और मोशन क्या होता है, सर्कुलर होता है। यहां तक किसी का दिक्कत है?
ये तीन चीज आपको ध्यान में रखना है। रोटेशनल मोशन में मोशन कौन सा होगा? सर्कुलर मोशन होगा। और ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। कर्वलिनियर में क्या होगा? कर्व मोशन होगा। रोटेशन, रोटेट मतलब समझ में आ रहा है, रोटेट कर रहे हैं मतलब घुमा रहे हैं, इसको तो ऑलवेज सर्कुलर मोशन में ही होगा, इसलिए सर्कुलर मोशन को और एक बार हम बता रहे हैं। फोर्स ऑफ मोशन जो पढ़े हैं उसमें सर्कुलर मोशन को अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब में आ गए थे। तो रोटेशनल मोशन समस्या है डेफिनेशन में, यहाँ एग्जाम्पल और डेफिनेशन को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। डेफिनेशन में कुछ समस्या है, समझने में कुछ दिक्कत है? देखिए यहाँ लिखा है ऑलवेज रोटेशनल मोशन किसको कहते हैं, पाथ डजंट पैरेलल, और वो सर्कुलर मोशन पे होगा, इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। अब आते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल में। रोटेशन ऑफ सीलिंग फैन, सीलिंग फैन देखा है ना, एक जगह वो फिक्स रहता है, बोलिएगा तब जाकर समझ में आएगा रोटेशनल मोशन क्या होता है। यस उसको ऊपर में लटका रहता है, एक जगह उसको फिक्स रखा जाता है, ठीक है, और वो अपने घूमने लगता है, एक ही जगह पर वो घूमने लगता है, वो रोटेट करते करते घूमने लगता है। ब्लेड ऑफ ए विल्ड माइंस, ये देखे हैं पवन चक्की, यही चीज को हम अभी बात कर रहे थे कि बचपन में हम लोग ये सब करके देखे थे। इस तरह का एगो पत्ती के बना हुआ रहता था, और इसमें एगो कुछ रख देते थे और हवा में इसको छोड़ देते थे, तो ये पूरा रोटेट करते रहता था, इस तरह करके रोटेट करता, जितना हवा लगता था उतना रोटेट करते रहता था। वही हो गया ये ब्लेड जो है, ये ब्लेड विंड मिल में जो दिखे हो गए आप लोग, वही भी एक रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल है। एक जगह पर उसको फिक्स करते हैं, यहाँ जैसे कि हम एक फिक्स कर दिए किए थे, उसमें हवा लग रहा था तो वह घूम रहा था, वही एक जगह पर फिक्स रहता है, उसमें जितना क्या बोलते हैं हवा लगता है उतना स्पीड से वो घूमता है, और घूमता है तो क्या एनर्जी देता है, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और रोटेशन ऑफ व्हील ऑफ ए कार, कार का जो चक्का होगा वही भी वही रोटेट करता है। उसके बाद हेलीकॉप्टर का जो ब्लेड देखे हैं वो भी वही है, एक जगह फिक्स रहता है, कार का भी चक्का एक जगह फिक्स रहता है और घूमते रहता है। और सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट को एमसीक्यू में हम देंगे, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट द ओन एक्सिस, वो अपने एक्सिस पर खड़े हैं और वो पूरा साइकिल कर रहा है, या तो उसी के चलते दिन रात जो होता है पूरा घूमते रहता है, एक जगह पर खड़े रहकर, जैसे कि भगवान विष्णु का जो ही है उसके अंगुल पर लगा हुआ रहता है, क्या क्या कहते हैं उसको, वो चक्र भी घूमते रहते, हाँ चक्का, वही भी एक सुदर्शन चक्र, रोटेशनल सुदर्शन चक्र, वो भी एक रोटेशनल मोशन का ही एग्जाम्पल है। यहां तक किसी का समस्या? आपका सिलेबस आपके पास अगर नहीं है तो फिर एक बार हम आपको बोल रहे हैं कि सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, सिलेबस पर देखिए ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन विथ एग्जाम्पल है, इसको बारी बारी से पढ़िएगा, चैप्टर अच्छा है। इसके बाद हम लोग आएंगे डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क के बारे में, और उससे पहले आप लोग थोड़ा सा, यहाँ पर आज हम बता दिए लेकिन उससे पहले आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, नोट कीजिए जो जो चीज हम बता रहे हैं वो सब नोट कीजिए, सर्कुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हेलो, सब सुन पा रहे हैं ना? यस ये ऑलवेज पढ़ लिए हैं आप लोग, इसीलिए एक बार आपको घर में पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, ताकि इस चैप्टर को और भी आसानी हम कर सकते हैं। इसीलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सर्कुलर मोशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सर अगर किसी के पास नहीं भी है, बेहिचक कह सकते हैं कि सर मेरे पास नहीं है, आप थोड़ा सा हमको समझ में आया है क्या बोले हम, अगर पढ़िएगा, ये कॉम्प्लिकेट सब्जेक्ट है, थोड़ा सा दिक्कत आएगा आपको,
इसलिए बार बार पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। पहले तो जो हम लोग पढ़े थे फोर्स मोशन एनर्जी पावर यूनिट, वो तो क्लास 9-10 से पढ़ के आ रहे हैं, तब तक हम लोग यहाँ तक पढ़ के ठीक किए हैं। फ्रिक्शन वो भी जानते हैं, लेकिन इसको भी थोड़ा सा आगे अच्छा से पढ़ना है, अच्छा से देखना है। अगर अभी हम पूछे एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, आप लोग शायद क्योंकि आप लोग के पास उतना एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है शायद अभी नहीं बता पाइएगा। एक बार जरूर पढ़िएगा। हम सबको कंप्रोमाइज करते हैं, हम भी स्टूडेंट है, बार बार हम यही कह रहे हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ पढ़ाई कीजिए। जितना कर रहे हैं उतना सोचिए कि हाँ इसमें समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं आएगा तो कॉल कीजिए, कॉल सॉरी नहीं आएगा तो रिमाइंड कीजिए, सर हमको यह जगह नहीं समझ में आ रहा है। जब तक आपके आगे आके नहीं बोलिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो आप लोग के लिए होमवर्क क्या रहा, मोशन। आप लोग के लिए होमवर्क क्या रहा, मोशन। और हम क्वेश्चन इस सैटरडे के लिए कर देंगे, और इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं करेंगे, वर्क एनर्जी पावर के रिलेटेड मतलब फुल इस सप्ताह में जो देंगे, वर्क से भी दो क्वेश्चन, फिक्शन से भी दो क्वेश्चन, वो भी हम बता रहे हैं, वर्क से भी दो क्वेश्चन, फिक्शन से भी दो क्वेश्चन, एनर्जी से भी दो क्वेश्चन, पावर से भी दो क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास 2-5 मिनट रेस्ट कीजिए, नेक्स्ट क्लास आप लोग क्या है ज्वाइन कीजिए। सभी को थैंक यू, अच्छा से रहिए, सुस्त रहिए, कुछ भी इंक्वायरी होगा ऑलवेज आपके सेवा में हाजिर है, हम कर सकते हैं। बोलिए, कोई बोलिए, कुछ नहीं बोल रहे हैं तो हम कैसे मानेंगे कि आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं। सुन रहे हैं सर, ठीक है। आज के लिए इतना तक ही, नेक्स्ट क्लास में आएंगे, उससे पहले आप लोग एक टेस्ट है, आप लोग आराम से दीजिए। बाय।